सो वी आर ऑल सेट, तैयार हो गए हम नहा धो के, थोड़ा सा टाइम लगा लिया हम लोग ने, बट कोई बात नहीं, अभी हम जाएंगे कुछ खाएंगे, बहुत भूख लगी है, और उसके बाद हम जाएंगे वैगेटोर बीच जो कि यहाँ से होटल से सिर्फ 10 मिनट्स के डिस्टेंस पर है, शायद मार्केट वगैरह भी एक्सप्लोर करेंगे, सो कम विद मी। सो हम रास्ते में इस जगह पर रुके, ये जगह ही इतनी क्यूट सी थी, इतनी प्यारी सी थी कि इसने मेरा ध्यान अट्रैक्ट किया एंड आई वाज लाइक मुझे यहाँ पर ही बैठकर खाना है। सो इट वाज यू नो अ वेरी प्रिटी प्लेस, इसका इंटीरियर भी बहुत ही क्यूट था, एकदम फ्रेंच सा लग रहा था, बड़ा प्यारा सा। एंड यहाँ पर जो डेजर्ट्स थे आई मस्ट से लिमिटेड थे, बट बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी थे, स्लाइटली ऑन एन एक्सपेंसिव साइड दिस प्लेस, थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी दूसरे जगहों से कंपैरिजन में, पर एब्सोल्युटली वर्थ इट, एब्सोल्युटली वर्थ इट। और यहाँ के मैक्रून्स ट्राई किए मैंने, यहाँ की पेस्ट्री ट्राई की, चॉकलेट एक्लेयर ट्राई किया, और सब कुछ इतना फ्रेश और इतना डिलीशियस था कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे काम की चीज दिख रही है मार्केट ही मार्केट, मतलब सबसे पहले तो मेरे को वो वहाँ चलते हैं, पहले मेरे को बैग देखना है छोटे वाले, ग्रीशा को चाहिए थे वो वहाँ पर, नहीं ग्रीशा को भी चाहिए, मुझे याद है ग्रीशा ने बोला था, और हम लोग ने बहुत उस समय, लेकिन डॉक ने लेने नहीं दिया था ये बैग्स, आपने लेने नहीं दिया था। That is a magnetless bottle opener. No, thank you. Check it out. Thank you. So we have just reached Vagator Beach. This is the marketplace that we are walking through and it's really nice. काफी सारे options हैं shopping के. आपको jewelries मिलेंगी यहाँ पर, bags मिलेंगे जूट वाले, and बहुत सारी दूसरी चीजें मिलेंगी. फिलहाल तो हम बीच पर जा रहे हैं, थोड़ी सी शॉपिंग की बस, थोड़े मैग्नेट्स वगैरह लिए, क्योंकि मैं हर जगह से जहाँ पर भी मैं ट्रैवल करती हूँ वहाँ के मैग्नेट्स मैं ले लेती हूँ, तो वो मैंने ले लिया, और एक मैंने बहुत ही प्यारा बैग लिया है। तो मैं ये जो भी शॉपिंग कर रही हूँ ना गोवा की, उसका मैं एक हॉल वीडियो अलग से बनाऊँगी, मैं आपको दिखाऊँगी मैंने क्या लिया है, कुछ खास तो नहीं है ऐसा, बट जो भी लिया है मैं आपको दिखाऊँगी। ओके, सो वी आर राइट ऑन टाइम एंड सनसेट होने ही वाला है एंड इट्स जस्ट लुकिंग सो ब्यूटिफुल।
लेट्स गो। Here's all of us clicking pictures one by one. It's a beautiful beach. ओ येस एंड देन आई ऑल्सो कीप गेटिंग वर्क रिलेटेड कॉल्स, तो वो भी मैनेज करना होता है साथ साथ में। एंड व्हाट्स बेटर देन यू नो मैनेजिंग थिंग्स व्हाइल यू एक्चुअली आउट एंड रोमिंग। व्हाट यू कैन सी हियर इज द फोर्ट जो कि दिल चाहता है मैं कैप्चर हुआ था, चापोरा फोर्ट, राइट? ओके, चापोरा फोर्ट। एंड क्योंकि ये 6 बजे बंद हो जाता है, वी कुडंट कवर इट टुडे, और इसके लिए हम स्पेसिफिकली यहाँ पर जा नहीं रहे हैं, बट दिस इज द फोर्ट। वैगाटोर बीच के पास से हमें ये देख लो क्या क्या देना है आपको। हाँ, व्हाट यू लाइक यू कैन कीप सेपरेट। श्योर श्योर, यहाँ पे रखो। थैंक यू। There's the chokers, yeah. And if you need anklet, side one also. How much are these for? You choose. Okay. So se amba aur ek khari. ये देखो, इस पे टॉर्टोइज बना हुआ है। बहुत ही प्यारे हैं ये। इस पे आई थिंक विक्टोरिया बनी हुई है। तो ये जो आप स्टॉल्स दिख रहे हैं ना, ये सब वैगाटोर बीच के रास्ते में ही है, मतलब वैगाटोर के एकदम पास है। जब आप जाएंगे बीच के पास, आप पहुंच रहे होंगे, तभी आपको ये सारे स्टॉल्स दिखेंगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर मुझसे पूछा जाए कि गोवा में सारे मार्केट्स में से जो मेरे को सबसे फेवरेट मार्केट लगा वो था वैगाटोर का मार्केट। यहाँ पर सब चीज़ें इतनी अच्छी थी,
क्वालिटी वाइज भी इतनी अच्छी थी ये सारी चीज़ें, और प्राइस इन्होंने जब स्टार्टिंग में मुझे बताया था थोड़ा हाई बताया, बट उसके बाद जब मैंने थोड़ा सा बार्गेन किया तो उन्होंने काफ़ी प्राइस कम किया। और तो और मुझे सबसे बढ़िया क्या लगा कि ये जो चोकर्स वगैरह मैंने जब चूज़ किए थे जो भी थे, तो एक्चुअली ये ब्रेसलेट्स थे, पर इन्होंने उसको उसकी चेन इंक्रीज करके मुझे वो चोकर भी बना के दिया। मतलब इट्स लाइक अ 2-in-1 थिंग, विच इज़ चोकर प्लस अ ब्रेसलेट। जब मैं हॉल करूँगी तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। Please, we have come to Fat Fish. All set for food. We have come to Fat Fish to eat something. It's a really nice place, guys. मैं पहले भी आई हूँ तो I have always, you know, come here, and it's a really, really good place. The ambience is beautiful, and खाना भी बहुत अच्छा है. Oasis Cafe. What do you have? They have Thai curry also. They have Thai curry and I'm going to try it, I think. So, हम पहले गए थे फैट फिश फॉर डिनर, वहाँ पर हमने बेक फिश खाई क्योंकि वो काफ़ी डिलिशियस होती है वहाँ पर, और उसके बाद हम यहाँ पर ओएसिस कैफ़े आए हैं कुछ और डेलिकेसीज ट्राई करने। तो जो जो हम ट्राई करेंगे वो मैं आपको बताऊँगी। वहाँ का बेक फिश का जो वीडियो है वो मैं निकालना भूल गई थी, बट यहाँ पर मैं याद से वीडियो निकालूंगी। लेकिन हम फैट फिश कल दोबारा जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली फॉर लंच। वहाँ की चिकन एंड फिश थाली भी बहुत अच्छी होती है, सो आई विल ट्राई एंड कैप्चर दोज फॉर यू ऑल टुमारो। प्रॉन्स चिली, प्रॉन्स स्टाइल में, ओके, कैसा है? मस्त, मस्त। सैलेड, एमडब्ल्यू, आलू गोभी, लो। ये आदमी आया है गोवा आलू गोभी खाने के लिए। ज़्यादा क्या है गोवा में आपके? ओह व्हाट अ सेव, गोवा में आके हम खा रहे हैं आलू गोभी रोटी, थैंक्स टू दिस मैन। हम वेट कर रहे हैं हमारे खाने का, जो हमने ऑर्डर किया है वो इंटरेस्टिंग है। तो इतना खाने के बाद भी हमारी भूख शांत नहीं हुई थी, तो हम मिठाई खाने भी आ गए। बड़ी मुश्किल से मिठाई शॉप मिली ये वाली गोवा में, और हमने, आप विश्वास नहीं करोगे, यहाँ की एक एक मिठाई का पीस हमने चख के देखा है, कुछ नहीं छोड़ा। जाने से पहले डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, बाय।